तो ये बड़ी खबर हमारे साथ है तारापुर में। अब 24वें राउंड की भी वोटिंग की काउंटिंग हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजद को 63,482 वोट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जदयू को 65,104 वोट मिले हैं। ये 24वें राउंड की काउंटिंग है। बड़ी खबर, 1622 वोट यानी 1622 वोट से जनता दल यूनाइटेड आगे बढ़ गई। शर्मिला भारी मतों से आगे निकली है इस बार जनता दल यूनाइटेड 24वें राउंड की काउंटिंग में। बिल्कुल, चलिए तो तारापुर के मतगणना 24वें राउंड की गणना पूरी हो गई है। आरजेडी को मिले हैं 63,482 वोट, तो जेडीयू को 65,104 वोट। जेडीयू 1622 मतों से आगे चल रही है और एक बार फिर से बढ़त बना चुकी है जेडीयू। ऐसे में बस 5 राउंड और इसके बाद परिणाम आ जाएगा, इसके बाद फैसला हो जाएगा कि तारापुर सीट पर आखिर किसकी जीत करे। शर्मिला, बयान एनडीए की ओर से लगातार सामने आ रहे थे कि अब बिहार में बिजली है, घर घर लालटेन नहीं होते। क्या लगता है आपको, तारापुर में लालटेन चलेगा? तो एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष यही कहते हैं कि जनता ने लालटेन को चुना है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि अब जनता लालटेन को भूल चुकी है। एनडीए के तमाम नेता यही कहते हैं कि जनता अब लालटेन को भूल चुकी है क्योंकि अब उन्हें बिजली में रहने की आदत हो चुकी है। तो अब देखना यही है कि तारापुर की जनता किसे चुनती है, लालटेन को या फिर बिजली को। आपको रुझान बता रहे हैं, 24वें राउंड की गणना पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर, तो आरजेडी को मिले हैं 63,482 वोट और जेडीयू को 65,104 वोट। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जी जुड़े हुए हैं लाइव चैट पर। निर्भय, एक बार फिर से जेडीयू की बढ़त बरकरार है और इस बार अंतर भी ज्यादा है वोटों का। हम सीधे फसल का यहाँ होगा क्या वस्तु? निर्भय, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शर्मिला, आप सवाल पूछ सकती हैं। बिल्कुल शर्मिला, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, आप सवाल पूछ सकती हैं। बिल्कुल निर्भय, तो जेडीयू की बढ़त एक बार फिर से बरकरार है और जेडीयू इस बार 1622 वोटों से आगे, यानी कि अब अंतर बढ़ चुका है 1622 वोटों।